अगर किसी का दोस्त फालतू हो या वेस्ट हो या एंटिक हो तो वो यहाँ पर आ जाए, उसको एंटिक पीस बना सकता है या सेल कर सकता है। अब फ्रेंकी उधर चली गई, आपको दिख नहीं सकता है, जिसको देखना है वो मेरे पेट में आके देख लिया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजने वाले हैं और आज मैं जा रहा हूँ मुंबई अपने दो तीन काम करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बारिश तो हो ही नहीं, अगर नहीं होती तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, अगर हो भी गई तो मैं उसके लिए भी अपना विंड शीटर लेके जा रहा हूँ मैं। और अभी तो मैं नमाज़ पढ़ ली हूँ फजर की और ओला भी डूब हो गई है, नीचे ओला आ रही है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू इन्जॉय करें, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ क्या क्या होता है मेरे साथ। 2000 years later. फाइनली गाड़ी आ चुकी है ये, अब जाएंगे इसमें बैठ के। नाश्ता करते हो, फिर आगे क्या क्या होता है आपको बताता हूँ। सो गाइस आ गए हैं नल बाज़ार, एज यू कैन सी ये मार्केट, क्या नहीं मिलता इधर पे। क्या देना नल बाज़ार जो काम के लाए थे, एक काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बारिश भी रुक गई है, अभी आगे देखते क्या होता है। ये है नल बाज़ार की दरगाह और ये है पूरा नल बाज़ार मार्केट। तो ये है वो बोरी मोहल्ले की बिल्डिंग जो मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया था, कितनी ह्यूज है देखो। गाइस आ गए हैं चोर बाजार। अगर किसी का दोस्त फालतू हो या वेस्ट हो या एंटिक हो तो वो यहाँ पर आ जाए, उसको एंटिक पीस बना सकता है या सेल कर सकता है। गाइस सेकंड काम के लिए निकल चुके हैं बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अपना पूरा पैक करके मैं निकल गया हूँ, आगे चल के आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब तक मेरा काम वहाँ से काम होगा फिनिश, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे थर्ड काम के लिए, फिर उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस आधे घंटे से टैक्सी के लिए खड़े हैं, बट यहाँ पर मुंबई का तो आपको पता है यहाँ टैक्सी मिलती नहीं है और यहाँ पर ट्रैफिक देख सकते हो कितनी है। टैक्सी का वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। मलाड आ चुका हुआ, मेरा थर्ड काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं खाने के बाद। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिख रही, देखते हो इधर क्या खाने मिलेगा आपको दिखाता हूँ। सो ये थी प्रीमियम पानी पूरी। ये प्रीमियम इसलिए क्योंकि मुझे इसके लिए 42 रुपीज़ पूरे पे करने पड़े। तो यहाँ अभी लग रहा है हमारी वॉच पे ग्लास, तो ये भाई लगा रहे वॉच पे ग्लास। लग गया ग्लास, इसको निकाल दिए फिर से।
बहुत ही बारीकी वाला काम हो रहा है। फाइनली लग गया क्लास और चिकनी हो गई। गुज्जू फरसान की शॉप में ये देख सकते हो कितनी वैरायटी है, क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ तो मेरी इस पे ही नज़र अटकी हुई है। तो गाइस हम लोग आ गए नूडल्स खाने। ये है नूडल्स और यहाँ पे है राइस। नूडल्स ऑर्डर कर चुके हैं, देखते हैं कैसा आता है। यहाँ बन रहा है हमारा नूडल्स। रेडी हो गया हमारा, बहुत ही महंगा वाला नूडल्स जो सिर्फ 20 रुपये का है। अब अंकल उसको सर्व करेंगे एक प्लेट में। ये लिए प्लेट अंकल, और ये अंकल उसको सर्व कर लिए छोटी सी प्लेट में। और रेडी हो गया हमारा नूडल्स। उसके बाद ही अपने हाथ वाले मसाले वाले लगा दिए जिससे टेस्ट आ जाएगा उसके अंदर। फाइनली ये नूडल्स आ गया हमारा। ये था नूडल्स। तो गाइस पूरा के पूरा नूडल्स खा गया है। बहुत ही यम्मी था, बहुत मज़ा आया है, देख सकते हो। सोच रहे हो और भी कुछ खाओ तो आपको दिखाता हूँ आगे और क्या क्या है, देखते रहो। सो गाइस यहाँ मेरा दूसरा ऑर्डर रेडी हो रहा है, चीज़ फ्रेंकी। ये लग गई रोटी के ऊपर चटनी। अब देखते क्या क्या ऐड करते हैं। कुछ इनका आलू का ऐड हो गया है, आलू का भरता। अब फ्रेंकी उधर चली गई, आपको दिख नहीं सकता है। जिसको देखना है वो मेरे पेट में आके देख लिया। सो गाइस दिस इज माय फ्रेंकी चीज फ्रेंकी। कैसी दिख रही है देखो, अभी खा के बता दो कैसी दिख रही है। सो गाइस यहाँ पे भी तीन बत्ते के जैसे चप्पल की मार्केट है, देख सकते हो पूरी चप्पल की मार्केट है। यहाँ पे भी लंबी लाइन है दुकान की, लेडीज जेंट्स दोनों सब है। सो स्टेशन का कुछ ऐसा हाल था इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। घर के बुद्धू घर को आए, तो पूरा मुंबई घूम घाम के भाग दौड़ से ट्रेन में धक्का खा खा कर बारिश में भीग भीग कर मैं 9 बजे अपने घर पे आ गया। फ्रेश हो गया अच्छे से, मैंने चेंज भी कर लिया क्योंकि मैं पूरी तरीके से भीग चुका था। तो मज़ा तो बहुत आया बट इतना टायर्ड हो गया कि अब खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। बस ऐसा मन कर रहा है कि अब सो जाओ। अपने व्लॉग देख के तो ऐसा लग रहा था कि क्या बता रहे, यहाँ पहुँचा ये काम हो गया, वहाँ पहुँचा ये काम हो गया, बोर हो गए होंगे ना। बट इसका जो खुलासा आएगा ना थोड़े दिन के बाद होगा, वो मैं अभी नहीं बता सकता। अभी आप सिर्फ ये ब्लॉग देख के इंजॉय करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बट ये चीज़ का खुलासा थोड़े दिन के बाद होगा। अभी अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर देना। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते ही आपको ऐसे कोई दूसरे ब्लॉग में, जब तक कि बाय बाय।